मैं नमन मेहरोत्रा, वेलकम टू इन माय क्लास नॉलेज 247। आज हम जो करेंगे, आज हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। जैसा कि हमारा टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस के हमारे जो हैं चार पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने आपको चार पार्ट में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सवाल कराए थे। आज जो हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर 5, इसमें हम जो करेंगे ट्रेन प्रॉब्लम वाले सवाल जो होते हैं ना, हम दो तीन पार्ट में इनको करेंगे। तो आज हमारा ट्रेन प्रॉब्लम का पहला पार्ट है, और जितने भी सवाल एग्जाम में आते हैं और जितने भी डाउट आपको रहते हैं सारे हम क्लियर करेंगे आज, ठीक है ना। आज हम बेसिक करेंगे ट्रेन प्रॉब्लम का, फिर हम इसके हाई लेवल वाले सवाल भी करेंगे। तो आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम जो है हर टाइप का सवाल कर लेंगे ट्रेन प्रॉब्लम का, जितने भी सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी बनते हैं, दो तीन पार्ट में सब कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से सारे सवाल सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, और ये जो मेरी क्लास है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका बैंकिंग का एग्जाम है, चाहे वो आपका SSC का है, चाहे वो आपका रेलवे, किसी का भी एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ट्रेन प्रॉब्लम जो आती है हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक या दो नंबर का सवाल ज़रूर पूछा जाता है आपसे, एक या दो नंबर का सवाल ट्रेन प्रॉब्लम पे। तो हम सभी सवालों को देखेंगे और जो एग्जाम में पूछे गए वो भी हम करेंगे, ठीक है। आज हम समझते हैं कि ट्रेन प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो मैंने आपको बताया था पहले भी, कि अगर हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं, तो कुछ 5/18 और 18/5 का गुणा करते हैं, ठीक है। मगर बच्चों में कन्फ्यूजन ये रहता है कि कब 18/5 का करना है, कब 5/18 का करना है। तो इसी कन्फ्यूजन को आज मैं आपको बिल्कुल दूर कर दूंगा, ठीक है ना। अब समझते हैं चीज़ को क्या है। जैसे कि मतलब मान लीजिए हमारा, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ आई कहाँ से, ठीक है। अब देखिए 36 किलोमीटर है, जैसे मतलब क्या है हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 36 किलोमीटर अपॉन एक हावर, मतलब कोई चीज़ एक हावर में कितनी चल रही है, 36 किलोमीटर चल रही है, एक हावर में कितनी चल रही है 36 किलोमीटर। अब ये हमारा दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में, किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। अब आपको इसे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम कैसे बदलते हैं देखिए। तो 36 का तो 36 रहेगा, अब किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो हमें जो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, कहाँ जाना है, मीटर प्रति सेकंड में जाना है। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो हमने क्या कर दिया 1000 का गुणा कर दिया ऊपर, ठीक है। नीचे, अब नीचे क्या आएगा, जब नीचे आएगा हमारा एक हावर से, अब एक हावर को हमें बदलना है सेकंड में, तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, और एक घंटे में भी आपके 3600 सेकंड हो गए, कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड हो गए, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो 2 0 से 2 0 कट गए हमारे, 2 0 से क्या है, 2 0 कट गए, 2 5 10, 2 से 18 बार। तो यहाँ से आपकी एक चीज़ समझ में आई होगी, अगर हमें 36 किलोमीटर को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमें क्या आया, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि हमने आया कहाँ से, ये तुम्हारा कहाँ से आ गया, मीटर प्रति सेकंड में बदल गया हमारा ये। तो यहाँ से वो आपकी एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन पूरा डिस्क्रिप्शन करके दिखाया है कि कैसे आता है ये 5/18। तो आपको याद कैसे रखना है ये चीज़, आपको याद कैसे रखनी है, हमें पता है कुछ होता है 5/18 18/5, मगर कन्फ्यूजन तब आता है एग्जाम में जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलने होता है, तो गलती से कभी 18/5 हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसे याद कर लेंगे। पहले आपको थोड़ा और कुछ समझा देता हूँ, मैंने क्या करा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या कर दिया, 5/18 का गुणा, ठीक है। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो क्या करते हैं, 18/5 का गुणा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब कैसे याद रखेंगे देखिए, आप जो है किलोमीटर से, आप जो है किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिए, किलोमीटर से मीटर में। किलोमीटर क्या है हमारा, बड़ा है,
किलोमीटर हमारा बड़ा है और मीटर में जा रहे हैं, मीटर क्या है हमारा छोटा, तो ऊपर जो आएगा छोटी संख्या आएगी, क्या आएगी छोटी, 5। तो हमें ये तो पता है, हमें 5/18 और 18/5 ये तो हमें याद है, हमें क्या होता है कि 5/18 और 18/5, मगर 5 कब ऊपर आएगा 5 कब नीचे आएगा ये चीज़ याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तो किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, मतलब बड़े से कहाँ जा रहे हैं छोटे में, किलोमीटर बड़ा है मीटर क्या है छोटा, तो छोटे में जा रहे हैं तो छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 5/18 में 5 हमारी छोटी है तो 5 हमारी क्या आ गई ऊपर। अब आपको याद हो गया होगा अगर मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, मीटर क्या है छोटा, जहाँ ये देखेंगे कहाँ जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटे में जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ट्रिक है ये याद करनी है आपको याद रखनी है। अगर हम मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, मतलब कहाँ से जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं बड़ी संख्या ऊपर, 18 और 5 में बड़ी संख्या कौन सी है 18, तो वो ऊपर आ गई। किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं तो छोटी संख्या कौन सी है 18 और 5 में 5, तो वो ऊपर आ गई। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब जैसे मैं बदलना है 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में, अब देखेंगे बड़े से कहाँ जा रहे हैं छोटे में, तो कहाँ आएगी छोटी संख्या, क्या आएगी ऊपर, तो 36 × 5/18, 18 × 2 कितना हो जाएगा 36 × 2 = 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, कितना 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अगर आपसे बोल दे कि 10 मीटर प्रति सेकंड को ही किलोमीटर प्रति घंटे बदलना है तो क्या कर देते, 18/5 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 18/5 का कर देंगे, तो 5 × 2 = 10 36 आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे, यही चीज़ आ गई लौट के। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। बस आपको ये है जा कहाँ रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर 5/18, बड़े में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर 18/5, बस ये चीज़ आपको क्या करनी है याद रखनी है, ठीक है। इधर का देख लेंगे, इधर मीटर है छोटा है तो 5/18, इधर किलोमीटर है बड़ा है तो 18/5, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं हम, ठीक है ना। पहला सवाल देखिए, बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल, 15 सेकंड मिलेंगे इस सवाल के लिए, आपको सबको आंसर देना है इसका। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, ये बताना है हमें। देखिए जो आपको मैंने बताया है वो आपको याद रखना है, क्या है हमारी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें ये पता है कि हम या तो 18/5 का गुणा होगा या फिर 5/18 का गुणा होगा, और इसमें आपको कन्फ्यूजन अभी भी होगा कन्फ्यूजन, ठीक है, किसका गुणा करेंगे। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, मीटर प्रति सेकंड में जाना है, मतलब मीटर क्या है हमारा छोटा, मीटर क्या है हमारा छोटा, तो ऊपर कौन सी संख्या आएगी छोटी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी छोटी संख्या आएगी, बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। किलोमीटर से कहाँ जा रहे हैं मीटर में, मतलब मीटर क्या है हमारा छोटा, तो ऊपर कौन सी संख्या आएगी छोटी संख्या आएगी। तो 5/18 हमने क्या कर दिया गुणा, 18 × 72 = 4×5 = 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से, अब आपके मन में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। बस हमें ये तो याद रहता है कि 5/18, 18/5, पर हमें कन्फ्यूजन उसमें आ जाता है कि क्या करें हम, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। मीटर है तो 5/18, किलोमीटर है तो 18/5, बस आपको ये चीज़ क्या रखनी है माइंड में फिट कर लेनी है बिल्कुल अच्छे से। बच्चों वाला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, बहुत सिंपल है बच्चों वाला। एक मालगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड, इससे किससे बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे को। अब बताइए आप, किलोमीटर बदलना है मीटर से, बड़े में जाना है तो 5/15 × क्या हो, बड़ा ऊपर आएगा, बड़ा क्या है हमारा 18 है, बड़ा क्या है हमारा 18 बटे 5, 5 × 15 = 18 = 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। जिसे आप समझ में आया नहीं आया वो बता सकता है। अगर देखो अब आपके अच्छे से समझ में आ गई तो वीडियो ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चीज़ मेरा आपको बताने का मोटिव था कि मैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझा दूँ बिल्कुल। अब आपके समझ में आ गई तो हम ट्रेन प्रॉब्लम वाले सवाल कर रहे हैं पहले, ठीक है ना। इस सवाल से पहले मैं आपको कुछ कुछ चीज़ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए हमारी कोई ट्रेन है, हमारी कोई ट्रेन है, ठीक है, वो किसी ट्री को, मेन को और पोल को पार कर रही है,
क्या कोई ट्रेन है मान लीजिए, ठीक है ना, वो किसी ट्रेन को, मेन को और पोल को पार कर रही है। मान लीजिए उसकी चाल जो है 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें आपकी ट्रेन की वो क्या होगी, डिस्टेंस क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। इसका मतलब है कि वो ट्रेन को कितने समय, वो इन सबको कितने समय, मान लो कोई मैन खड़ा है उसे कितने समय में पार कर लेगी। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो मैन है चाहे ट्री है चाहे पोल है, इसको हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये ट्रेन की लंबाई के आगे कहीं भी नहीं टिकते हैं। जो आपकी ट्रेन की लंबाई है ये कहीं भी नहीं टिक रहे हैं। मतलब है अगर उसे मेन को पार करना है तो हम कह सकते हैं ट्रेन को खुद को पार करना है। जैसे मान ली यहाँ आदमी खड़ा है और ट्रेन इतनी लंबी है, जब ट्रेन को यहाँ से पार करना है तो ट्रेन को यहाँ से जितना इसकी लंबाई है उठकर कहाँ जाना पड़ेगा, इतना ही तो जाना पड़ेगा, तभी वो पार कर पाएगी नहीं कर पाएगी। मतलब इसकी जो लंबाई है उसकी लंबाई को उठाकर हमें कहाँ रखना पड़ेगा, इधर रखना पड़ेगा, तभी तो वो पार कर पाएगी। तो कह सकते हैं कि ये जो होते हैं ट्रेन मैन पोल, इन सबको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इनकी लंबाई भी कुछ नहीं होती है, ठीक है, इस ट्रेन के सामने। तो हमें डायरेक्ट क्या निकालना पड़ता है, डिस्टेंस निकाल। मान लीजिए आप ये जा रही है 1 सेकंड में 10 मीटर, क्या जा रही है, 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है, ठीक है। और 20 सेकंड चली, वो 20 सेकंड में कितना चल जाएगी, 200 मीटर। तो ट्रेन की डिस्टेंस क्या आ गई, 200 मीटर आ गई, क्या आ गई, 200 मीटर आ गई। ये चीज़ आपको समझनी है बस। हाँ, देखो इसकी जो ट्रेन की लंबाई होती है वही उसकी डिस्टेंस होती है, जो ट्रेन की लंबाई होती है वही उसकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनको हम फॉर्मूले से भी करेंगे और वैसे भी समझेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले से ये सवाल जल्दी हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना, फॉर्मूले से क्या होता है जल्दी हो जाते हैं। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो 10 गुणा 20, 10 तो उसकी स्पीड थी, 20 क्या था उसका सेकेंड, तो कितना आ गया, 200, कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है, 200 मीटर। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है तो आपकी इधर भी टाइम भी सेकंड में होना चाहिए। मतलब जिस हिसाब से हमारा टाइम है उसी हिसाब से हमें चाल को चेंज करना पड़ता है। हमारा जिस हिसाब से समय दे रखा है उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, चाल को भी अपनी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है बस, तो आपका सवाल हो जाएंगे। आपके फॉर्मूले बता दे रहा हूँ मैं आपको एक बार, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को इधर ले जाए तो क्या हो जाए, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस बराबर डी अपॉन टी, डी बराबर एस मल्टीप्लाई टी। अगर यहाँ से टाइम निकालना है तो क्या होगा, डी अपॉन एस, क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है। डी हमेशा ऊपर आएगा, स्पीड में भी डी ऊपर आ रहा है, टाइम में भी डी ऊपर आ रहा है। स्पीड के लिए टाइम नीचे आ जाएगा, टाइम के लिए स्पीड नीचे आ जाएगी। बस इस चीज़ का आपको याद रखनी है, ये चीज़ तो आपकी समझ में आती होगी अच्छे से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 200 स्पीड है, 200 डिस्टेंस है, आपके घर से 200 मीटर डिस्टेंस है आपके स्कूल की, और आप 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तो आप कितना टाइम लेंगे, आप खुद बताइए। 1 सेकंड में आप जो है 5 मीटर चल रहे हैं आप, 1 सेकंड में 5 मीटर आप 1 सेकंड में चल रहे हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर चल जाते हैं। तो आपको 200 मीटर चलना है, तो यहाँ से कितने गुना है ये, 5 4 गुना, तो आपको यहाँ पे भी 40 का गुना करना पड़ेगा, तो आप 40 सेकंड में क्या करेंगे, चल जाएंगे। बस इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली समझना है, ठीक है। अब सवाल करते हैं, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सब कुछ। 360 मीटर लंबी ट्रेन 36 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, यह कितने समय में टेलीफोन खंभे को पार कर लेगी, सभी इसका आंसर बताएंगे। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ इसके लिए, 30 सेकंड बहुत ज़्यादा है, 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, सभी इसका आंसर करें। देखिए उसकी लंबाई कितनी है ट्रेन की, 360, और उसे चाल कितनी है, 36 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी मीटर में दे रखी थी लंबाई, किस में दे रखी थी, मीटर में, तो हमें यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, हमारा इसको चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर हमारी किलोमीटर में दे रखी होती
तब हम चेंज करते, ठीक है। अब इसका मतलब है 36 मीटर प्रति सेकंड, वो 36 मीटर जो जा रही है आपकी एक सेकंड के अंदर जा रही है, कितने सेकंड में जा रही है, एक सेकंड में जा रही है, ठीक है। तो उसे जाना कितना है आप 360 मीटर, तो यहाँ से कितने का गुना हो रहा है, 10 का गुना हो रहा है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे 10 का गुना, तो 10 सेकंड में वो पहुँच जाएगी। ये तो हमारा होगा प्रैक्टिकल तरीका समझने का, आंसर इसका 10 सेकंड आ गया, ये तो हमारा प्रैक्टिकल तरीका होगा समझने का। अगर हम इसको फॉर्मूले से करें तो टाइम क्या है हमारा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 360, स्पीड कितनी है 10, 10 से 10, तो कितने सेकंड लगेंगे 36, ठीक है, सॉरी स्पीड कितनी है 36 है, ठीक है, तो 36 से कितने 10 बार कट जाएगा, तो कितने सेकंड लगेंगे 10 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई, आप प्रैक्टिकल भी सोचें तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि उसे 36 मीटर जा रही है एक सेकंड में, तो 360 मीटर जाना है तो कितने सेकंड लगेगी 10 सेकंड लगेगी, बस आपको फॉर्मूला ऐसे कोई कठिन नहीं हो याद ना हो आपको, ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से याद हो जाएंगी, क्योंकि फॉर्मूले से चीज़ जल्दी आसान हो जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें जल्दी से सॉल्व करना है आपको, 15 सेकंड मिल रहे हैं, सॉल्व करना है आपको, ठीक है। क्या निकालना है इसमें, अब हम सारे फॉर्मूले से करेंगे सवाल, किससे करेंगे फॉर्मूले से। देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसमें क्या समय निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 100 मीटर और स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब हमारी जो स्पीड दे दी उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटे में दे दी, ठीक है, अब हमें इसे किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो हमारी लंबाई है डिस्टेंस है वो मीटर में, ठीक है ना, हमें उसी हिसाब से अपनी स्पीड को चेंज करना पड़ता है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, जिस हिसाब से हमारा समय और हमारा लंबाई होती है उसी हिसाब से हमें अपनी स्पीड को चेंज कर लेना पड़ता है, ठीक है। अब किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में, मतलब छोटे में जाना है, छोटे में जाना है तो ऊपर कौन संख्या है, छोटी संख्या है 5/18, तो ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 18 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 100 × 18, नीचे क्या आएगा 20 × 5 = 100, 100 से 100 कट जाएगा आपका, तो आंसर कितना आएगा 18 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई अब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 125 मीटर है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। 15 सेकंड मिलेंगे इसके लिए आपको, जल्दी से करिए सब। देखिए हमें निकालना क्या है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, चाल क्या होता है, मतलब स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम ये देख लेंगे कि दोनों जगह हमारा सेम है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी क्या है हमारा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितनी है, लंबाई कितनी है 125 ट्रेन की, और टाइम कितना ले रही है वो 30 सेकंड, तो हमारा आंसर आ गया मीटर पर सेकंड में हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। पर हमारी नज़र एक बार ऑप्शन पर चली गई, ऑप्शन में कभी हमारा मीटर पर सेकंड नहीं दे रखा, सारा दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे को, तो जैसे ही हमारी नज़र गई तो हमें तुरंत माइंड में आ गया कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा अपने आंसर जो हमारा आया है। तो
उसको चेंज करने के लिए बहुत आसान तरीका बता दिया है। 130 में हमें कितना गुणा करना पड़ेगा, जाना कहाँ पर है, हमें किलोमीटर में जाना है, बड़े में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है, बड़ा क्या है हमारा 18, तो 18 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बस ये चीज़ हमें याद रखनी है। 5 से कितना कट गया, 25 बार, 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, फिर 5 से 5 बार, 5 से आपका आ गया 15, तो आपका आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी चाल क्या आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो गया। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी अब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। सभी इसका आंसर करेंगे 30 सेकंड के अंदर। अब आपको चीज़ याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है, देखिए 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, हमें निकालना क्या है, इसमें चाल निकालनी है, चाल निकालने के लिए स्पीड होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 250, टाइम कितना है आपका 25, ये आएगा आपका मीटर पर सेकंड में आंसर। और हमें लाना किस में, देखो सारे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 18/5 क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहीं से काट सकते हैं 55 25 हो गया हमारा, ठीक है, या तो आप 18 को ऊपर ले जाते, 18 को क्या करते, ऊपर ले जाते, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 25 5 से काट दीजिए, एक बार देखिए क्या है हमारा, स्पीड निकालनी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गई 250, 25 टाइम हो गया, 10 हमारा स्पीड आएगी 10 मीटर पर सेकंड, कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकंड, इसे किस में बदलना है हमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या बताया था मैंने आपको, बड़े में जाना है, किस में जाना है हमें, बड़े में जाना है, तो हमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 18/5 का, 18 × 36 आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई बच्चे से बहुत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक टेलीफोन के खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, ठीक है, इसको सॉल्व करिए सब, देखिए कैसे होगा। अब हमारा देखेंगे दोनों चीज़ हमारी एक जैसी हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये हमारी सेकंड में, तो मैंने बताया था आपको अपने समय के अनुसार आपको चाल को चेंज करना पड़ेगा, तो चाल कितनी है 54, इसे किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। अब किलोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब बड़े से जाना है छोटे में, मतलब छोटा क्या है हमारा 5 5/18 का क्या करना पड़ेगा गुणा, तो 5 × 15, तो हमने बदल दिया, 5 मीटर पर सेकंड आ गई। अब सॉल्व कर लेंगे, लंबाई मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस ऐसे होती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड आ गई 15, अब कितनी आ गई 15, टाइम कितना ले रही है 30 सेकंड, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 450 मीटर, बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। बस आपको ये चीज़ क्या रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, जो ट्रेन की लंबाई बतानी है, इसमें बतानी है डिस्टेंस, बतानी है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो दोनों जगह यहाँ किलोमीटर है, तो यहाँ बदलना पड़ेगा हमें, किलोमीटर से मीटर में जाना है, छोटे में जाना है, तो छोटा क्या है हमारा 5 2 5 10, 10 मीटर पर सेकंड आ गया, तो हम क्या करेंगे, स्पीड हो गई हमारी 10, टाइम हमारा हो गया 10 सेकंड, तो कितने मीटर लंबी ट्रेन होगी, 100 मीटर लंबी हमारी क्या होगी, ट्रेन हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं आपको एक समझाऊंगा, अगला आपको दूंगा, फिर हमारा आज का पार्ट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर हम कल और नए नए क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर प्लेटफॉर्म को x सेकंड में पार कर लेती है, मतलब हमें x निकालना है, टाइम निकालना है, और रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है आपकी वो 200 मीटर है, वहीं आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है 300 मीटर, तो अब समय पूछ रहा है, डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, हमें यहाँ पर डिस्टेंस समझनी है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आपको एक चीज़ समझनी है, जब हमारा पेड़ हो, आदमी हो या पुल हो, तो पुल पुल नहीं, जब हमारा पेड़ हो, आदमी हो या कोई पोल हो,
तो उसे तो निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी कोई लंबाई नहीं होती है उसकी ट्रेन के मुकाबले। मगर जब हमारा प्लेटफॉर्म आ जाए, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई और हमारी जो ट्रेन की लंबाई है ये समझिए, उसे जब पार करना है उसको, तो पूरे को पार करना पड़ेगा। मतलब जो हमारी ट्रेन ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जो डिस्टेंस होती है हमारी टोटल वो जुड़कर आ जाती है प्लेटफॉर्म की लंबाई और आपकी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, बस आपको ये चीज़ समझनी है बस। तो हमारी जो लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 500 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 500 मीटर हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई है और जो हमारी ट्रेन की लंबाई है दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ से हमें समझ में आ गया डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, डिस्टेंस हमारी यहाँ से 500 मीटर हो गई, क्योंकि 200 तो ट्रेन की लंबाई है और 300 किसकी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। दोनों लंबाई हमने क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, वही हमारी डिस्टेंस हो जाती है। हमें निकालना क्या है यहाँ से, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 500, स्पीड कितनी है ये मीटर में, स्पीड है 60। अब ये हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में और ये हमारी मीटर में, तो हमें क्या बताया था, मैंने आपको स्पीड को चेंज करना पड़ेगा आपको उसके अनुसार, अपने डिस्टेंस या समय के अनुसार। ठीक है ना, अब देखिए कितने गुणा करेंगे, कहाँ से जा रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं तो मतलब छोटे में जाने के लिए 5/18, तो 18 कहाँ चला जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा, 500 × 18 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 60×5=300, 1 0 से 1 0 कट गया आपको, 5 से कितने कट जाए, 10 बार कट जाएगा, 10 से 6 बार, तो 10 से 2×5=10, 2 × 3=6, 3 से 6 बार, 6×5 क्या आ गया, 30 सेकेंड क्या आ जाएगा, 30 सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर हमारी प्लेटफॉर्म दे रखा है जिसकी कोई लंबाई दे रखी है, उनको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं आपस में, वही हमारी डिस्टेंस बन जाती है। नेक्स्ट सवाल इसी तरीके का है बिल्कुल, अब आपको करना है इसे 30 सेकंड में करना है। ठीक है ना, देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए सेम सवाल है बिल्कुल हमारा, लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की, 270, और पुल की लंबाई कितनी है, 180, दोनों जुड़ जाएंगे वही हमारी डिस्टेंस बन जाएगी, 450 होगी, कितनी होगी, 450। निकालना क्या, टाइम, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस होगी 450, स्पीड कितनी है, 36, किसे बदलना पड़ेगा इसे, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारी जो लंबाई है वो मीटर में है, तो इससे क्या करना पड़ेगा, गुणा किससे करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया, बहुत बार बता चुका हूँ, अब आप खुद बताइए। देखिए जब हमारी स्पीड कितनी है, 36, मीटर में जाना है तो 5/18, 18 × 2=36, 2×5=10 का भाग देना पड़ेगा, 10 का भाग देंगे 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना है, 45 सेकेंड हमारा क्या जाएगा आंसर। तो ये था आज के पार्ट में, उम्मीद करता हूँ आपको आज का पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं हम एक कल नए पार्ट के साथ, कल भी हम टाइम ट्रेन वाले सवाल करेंगे और कुछ अलग सवाल करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, थोड़े हार्ड सवाल करेंगे। आज तो मैंने आपको बेसिक समझाया था, बेसिक समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक से ही हमारा हाई लेवल पहुँचते हैं, हम हाई लेवल से बेसिक नहीं जा सकते, बेसिक से हाई लेवल जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको आज पूरा क्लियर कर दिया, अब हम कल करेंगे हार्ड सवाल, इसके जो मॉडरेट लेवल के सवाल है फिर हाई सवाल है वो करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।